दिवाली के खास मौके पर अक्षय कुमार की माइथोलॉजिकल फिल्म राम सेतु रिलीज होने जा रही है। दर्शक इस मूवी से काफी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए बैठे हैं और इसी बीच फैंस के एक्साइटमेंट को बढ़ाने और दर्शकों को फिल्म से कनेक्ट करने के लिए अक्षय कुमार ने फिल्म राम सेतु की थीम पर डिजाइन हुई गेम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है राम सेतु द रन। अक्षय के राम सेतु लुक के आधार पर गेम की थीम को बनाया गया है। अवतार को भागते दौड़ते दिखाया गया है और इसकी सिचुएशन भी फिल्म में दिखाए गए दृश्यों से मेल खाती है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गेम बिल्कुल टेंपल रन की तरह है। गेम की वीडियो में भी फिल्म के कुछ सीन्स को भी दर्शाया गया है ताकि दर्शक अपने आप को फिल्म से भी कनेक्ट कर सके। वहीं अक्षय ने गेम को शेयर करते हुए लिखा है कि मिशन चुनौतीपूर्ण है और एक्शन कभी ना खत्म होने वाला है। मेरे अवतार आर्यन कुलश्रेष्ठ में बदल जाइए और राम सेतु के संसार में शामिल हो जाइए। आपको बता दें कि ये फैंटेसी एडवेंचर फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी, जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी लीड रोल में नजर आने वाली है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें अक्षय एक आर्कोलॉजिस्ट के किरदार में भगवान राम द्वारा लंका युद्ध से पहले बनाए गए राम सेतु के अस्तित्व का पता लगाते हुए दिखाई देंगे, इसलिए फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। वही इस साल अक्षय कुमार की 5वीं फिल्म है जिससे दर्शकों को काफी उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाई है, इसलिए इस फिल्म से दर्शक के साथ साथ अक्षय कुमार को भी हिट होने की उम्मीद है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी मूवी अपडेट्स और एंटरटेनमेंट की सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।